और नागरिकता संशोधन बिल आया है वो भारत के किसी भी नागरिक के हक अधिकार को छीनने का काम नहीं करेगा और ना ही किसी को दिक्कत आएगी। कुछ लोग हैं जो राजनीति बस लोगों में गलत मैसेज भेज के उनको भड़का रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं कि भाई तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा, इस तरह की बातें फैला के लोगों में अविश्वास पैदा करके और उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है जो सच है वो लोगों को जानना चाहिए। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जानूँ समझूँ कि ये क्या है। वैसे हर नागरिक का ये धर्म है, कर्तव्य है कि पहले समझो, उसको जानो कि ये जो बिल आया है उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला है, या ऐसे ही आप किसी के कहने पे जो है रोड पे उतर गए और देश की संपत्ति को नष्ट करने लगे, तो वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको पहले जानकारी हासिल करनी चाहिए। अब बात करें बिग बॉस की, बिग बॉस आप देख ही रहे हैं कि सारी जी गए थे फिर आप भी गए, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का आपको लग रहा है मतलब माहौल बिग बॉस का? और सबसे बड़ी बात है कि आप गए थे और इतना सुकून से वहाँ पे कैसे मतलब रहते थे, इतना बनावटी माहौल है वहाँ का, किस क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने पहले ही कहा कि अगर आप सच में हवे में नहीं है तो आप कहीं भी बहुत आराम से रह सकते हैं। तो मुझे लगता है बिग बॉस का घर हो या आपका घर हो, कहीं पे भी, जैसा खेसारी जी भी गए थे तो मुझे अच्छा लगा उनका, जो वो हैं जैसा उनका नेचर है वैसा वो रहे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे वो कुछ और बनने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि वो जो फॉर्मेट है बिग बॉस का, उस फॉर्मेट में जिस तरह का इंटरटेनमेंट निकल के आना चाहिए उसके लिए वहाँ लड़ाई करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, आपको हर बात पे जो है अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हम लोग इस तरह के व्यक्ति हैं, चाहे मैं हूँ चाहे खेसारी जी हैं, हमारा नेचर ये है कि आप कुछ गलत बात कर रहे हैं तो कर लीजिए, हमको उससे कुछ नहीं लेना देना है, हम चुप रहेंगे। तो इस तरह के लोगों के लिए वो शो नहीं है बेसिकली, वो इस तरह का शो है कि अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप उसका जवाब दो, आप उससे लड़ो, उससे झगड़ो। मैं जब बिग बॉस में था तो मुझे याद आया, उर्वशी ने एक दिन सुबह जो है मेरा नाश्ता बना रही थी और उन्होंने उसमें बहुत सारा मिर्ची बहुत सारा नमक डाल के उसको बहुत खराब कर दिया, अपने हिसाब से उन्होंने खराब कर दिया। उनको टास्क मिला था, बिग बॉस ने टास्क दिया था कि आप जो है नाश्ते को खराब कर दीजिए, खराब कर दिया और मुझे मालूम नहीं है, मेरे टेबल पे आया, मैंने अपना खाया, थोड़ा नमकीन लगा थोड़ा तीखा लगा, मैंने खा लिया, ख़त्म किया। उर्वशी भी वहाँ से देख रही है कि ये कैसे खा गया, ये तो पूरा मिर्ची नमक, इस तो कुछ बोला ही नहीं। बिग बॉस भी सोच रहे हैं कि ये तो पूरा खा लिया, कुछ लफड़ा हुआ ही नहीं। तो बाद में वो लोग बोले कि आपका जो नाश्ता था वो बिगाड़ा गया था, उसमें इतना मिर्ची नमक, आप तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मैं बोला मेरे घर में भी अगर ऐसा होता, मेरी माँ बहन मेरे लिए नाश्ता बनाती, थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाता मिर्ची, तो मैं थोड़े उन पर चिल्लाता, तो मैं उन पर नहीं चिल्लाता तो मैं इन पर क्यों चिल्लाऊँ। तो बात इतनी सी है कि आप जब, आपका वो नेचर ही नहीं है कि आप घर में चिल्लाते तो आप बाहर कैसे चिल्लाओगे। तो हम इसलिए वहाँ पे उस तरह से थे, खेसारी जी गए तो वो भी थे, और जो लोग उस फॉर्मेट में इंटरटेन करना जानते हैं कि भाई हम क्या हैं उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, उस हिसाब से जो लोग करते हैं वो इंटरटेन कर रहे हैं और लोगों को मजा आ रहा है, मैं खुद भी देखता हूँ मुझे भी मजा आता है। लास्टली ये पूछना, कपिल के शो में गए वहाँ भी इंटरटेन किया आपने, क्या कहना चाहेंगे कपिल के शो के बारे में, किस तरह से आप देखते हैं शो? बहुत धमाल बहुत मस्ती, और सबसे ज्यादा तो मस्ती आम्रपाली जी ने किया और मुझे लगता है अर्चना जी से भी ज्यादा ये हंसी है। क्या कहना चाहेंगे कपिल के शो के बारे में? बहुत मजा आया वहाँ पर,